जोड़ी। हाय मम्मी जी, ये क्या हो गया? मुना कुछ नहीं हुआ पुत्र, बस जरा सा फिसल गई तो मोच आ गई। ओह मम्मी जी, आपको ध्यान रखना चाहिए ना अपना। ये सब क्या करके बैठे हो? ये सारा सियापा मेरे वजह से है। मुझे इसे अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए था। परचाई जी, तुसी की कह रहे हो? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, भली चंगी। हाँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। जी ऐसे हेतल को क्या हुआ है? पुत्र, क्या हुआ पुत्र? तू रो क्यों रही है? चाची, सब खत्म हो गया। चाची जी, ये शादी टूट जाएगी करण किसी और लड़की के साथ। क्या पागल हो गई है क्या तू? नहीं नहीं वीजी, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तुझे जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हाँ पुत्र, करण ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो तुझे बहुत चाहता है। चाची चाहते थे लेकिन अब नहीं, अब किसी और लड़की को चाहते हैं वो। अरे मोना, की गल बीजी, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, दोस्त से मिलने जा रहा। तू कब आई? कब से आई हुई हूँ यहाँ पर। आपका ध्यान ही कहीं और है भाई, फोन पे लगे हो कब से। ऐसी कोई बात नहीं है मोना। ऐसी कोई बात कैसे नहीं है बीजी? अभी तो मैंने देखा आपको, किससे बातें कर रहे थे आप? जिस तरह से आप फोन पे बातें कर रहे थे उससे तो मुझे लगता है कि हेतल का शक एकदम सही है। देख मोना, अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, सही वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। क्या कर रही थी तुम? जासूसी? हाँ, क्योंकि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। जल्दी से बताओ कौन है ये लड़की। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। मैं कोई हक नहीं है कुछ भी जानने का। हक है करण, मैं पत्नी हूँ तुम्हारी। पत्नी हो लेकिन सिर्फ रिश्ते से। पहले पत्नी होने का फर्ज निभाना सीखो, उसके बाद पत्नी होने का हक जता। अच्छा, कौन सा फर्ज नहीं निभाया मैंने? पत्नी होने का फर्ज होता है कि अपने पति के साथ साथ उसके सारे परिवार को भी अपनाए। लेकिन तुम अब तक मेरे परिवार को पराया समझती हो। करण, तुम करण ये क्या बात हुई? बात तो करो मुझसे। डार्लिंग, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। कमाल का आइडिया यार तुम्हारा, एकदम सही तरीके से काम कर रहा है। हेतल बहुत पछता रही है, बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गई मुझे लेके। लेकिन यार ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, मुना सब समझ जाएगी। वो तो है, मुना जी से सच्चाई छुपाना आसान नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक्स यार आदित्य, तुम सबसे अच्छे भाई हो और सबसे अच्छे दोस्त भी। माय गॉड, आप तो सर जी आपकी पुरानी पुरानी दोस्त है। आपका सर जी के साथ चक्कर चल रहा है? सच्ची बहुत बड़ी नौटंकी आप दोनों। हेतल को अगर पता लग गया ना कि सर जी। थैंक गॉड मोना, तू हेतल की जैसी नहीं, वरना तेरे पति को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के जुर्म में तू तो मुझे मार ही डालती। ओहो वीर जी, क्यों मार डालूंगी भला मैं आपको? आप जो भी कुछ कर रहे हो वो अपनी और हेतल की भलाई के लिए कर रहे हो ना। सर जी आपकी गर्लफ्रेंड है। अच्छे लग रहे हो दोनों साथ में। जी आप तो तू मार खाएगी मोना।